मिला भी देना थोड़ा। किचन पूरी क्लीन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द पूजा स्पेशल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग का रूटीन। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। अभी मैं आई हूँ वेजिटेबल मार्केट। हाँ थोड़ा दे दो, हरी मिर्च भी दे देना साथ में। और गाजर कैसे थी? गाजर घर आने के बाद सब्जियाँ धोकर रख दी मैंने, शूट करने से रह गया वो। और अब थोड़े बहुत बर्तन जो हैं वो हुए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको अभी ही ख़त्म कर ले, फिर जो है RECIT के बच्चे आएंगे तो फटाफट से मैं अपने ये जो बर्तन हैं इन्हें फिनिश करती हूँ। मैं बर्तन साफ़ करने के लिए लिक्विड सोप यूज़ करती हूँ, ये वाला झामा जो है सबसे बेस्ट रहता है। थोड़ा सा मतलब 2 से 3 बूंद मैं इसमें डालती हूँ और बहुत अच्छा झाग हो जाता है, बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। इसमें झाग बड़ा अच्छा था, मतलब 2 से 3 बूंदें मैंने ली थी, काफ़ी अच्छा। तो अभी टाइम हुआ है 5:15, 5:15 में 2 मिनट अभी बाकी है। और ये मेरी किचन, बर्तन वर्तन सब। वैसे तो मैं किचन को दिन में ही यानी सुबह ही क्लीन करके जाती हूँ, अभी मिट्टी बहुत उड़ रही है तो इस वजह से शाम को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी किचन एकदम साफ है, चमचमाती हुई, बर्तन सारे हो गए हैं। RECIT वाले बच्चे आने वाले हैं, फटाफट जाती हूँ उन्हें नई चीज़ सिखा। तो सेंटर पर पढ़ाने के बाद जो सब्जियां मैंने धोकर रखी थी उन्हें अरेंज किया है फ्रिज में अच्छे से। यहाँ पर पत्ते वाली सब्जियां, धनिया मेथी वगैरह रखने के लिए मैं ये वाला पेपर यूज़ करती हूँ, जो कि अपन टिफिन वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं इसको रैप करके और फिर पॉलीथीन में रख देती हूँ, इससे जितना भी मॉइस्चर होता है इसमें नहीं रहता है, सूखा रहता है। और सूखा रहता है तो धनिया ज़्यादा दिन तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो अगर आप भी ये ट्रिक अपना के देखेंगे तो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मेरे ये धनिया लगभग 4 से 5 दिन आराम से चल जाता है। आज मैं और वंशिका हम दोनों को ही शाम को खाना खाना था, तो शाम को कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। ये वक्त है सुबह का यानी फ्राइडे मॉर्निंग का। थोड़ी सी दाल बच गई थी मूंग की, तो उसको मैंने आटे में अच्छे से गूंद दिया और उसके पराठे या रोटी जो भी जिसको जैसे ले जानी होगी वो बना दूंगी। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास भी इस तरह से दाल बच जाती है, ज़्यादा आपको उसको ख़राब मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखना है दाल को, 2 से 3 दिन ना रखें, 1 दिन की दाल हो तो आप इसे इस तरह से काम में ले सकते हैं। तो आर्यन के टिफिन में तो पराठा जाएगा, वंशिका को अभी पराठा बना है, उसके लिए रोटी रखूँगी। मैं भी अपनी रोटी ही सेकूँगी दाल वाली और टिफिन पैक करके स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो ये मेरा लुक है स्कूल का। आज मैंने रेड कलर का सूट पहना है, उस पर गोल्डन कलर का इस तरह से दुपट्टा लगाया है, बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था ये। और आप ये देखिए सूट इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये मम्मी जी ने मुझे मेरी एनिवर्सरी यानी पिछले साल दिलाया था एनिवर्सरी पे। मुझे ये सूट बहुत ही प्रीटी लगता है, तो आज ये वाला सूट मैं पहनकर जा रही हूँ। और ये दुपट्टा जो आप देख रहे हैं ये मेरे दूसरे ग्रीन वाले सूट का है, लेकिन इस पर चल गया। हेलो आ गई थी स्कूल से और आपके साथ इस वीडियो में मैंने थर्सडे फ्राइडे का रूटीन शेयर किया है, ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो इस वजह से मैं पूरे दिन का शेड्यूल नहीं ला पा रही हूँ। अभी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, स्कूल सेंटर साथ में गुड़िया की डाइट भी है, अपनी डाइट सबकी डाइट भी, तो सारी चीज़ें हैं। इस वजह से ऐसे इस तरह से तो वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, मैं 2 दिन की वीडियो ला रही हूँ। जैसे कि कभी किसी डे सुबह के लिए, जैसे थर्सडे मान लो थर्सडे की सुबह की है तो फ्राइडे की शाम को का रूटीन जो है, तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पा रही हूँ। इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें मैंने आपको VIP प्लान के बारे में बताया था आपको कि आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि कैसे
वीडियो में मिलेंगे और अच्छे।